मंडला में अवैध शराब बेचने वालों के डर से घर बेचने को मजबूर हुए लोग, लगाए गए घर बिकाऊ है के पोस्टर। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवैध शराब बेचने वाले से परेशान एक मोहल्ले के लोगों ने घर बेचने का इश्तेहार चस्पा कर दिया। उनका आरोप है कि अवैध शराब बेचने वालों को रोका जाता है तो वह गाली गलौज कर मोहल्ले वालों को जान से मारने की धमकी देता है। मोहल्ले की महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री बंद करने के लिए सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। दरअसल मंडला शहर के रानी अवंती बाई वार्ड में शासकीय जन वरिष्ठ मूल शाला के पीछे मोहल्ले के लोगों ने अपने ही मकान बेचने के लिए पोस्टर घर पर लगाए हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि यहां अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जा रही है। अगर शराब बेचने वाले को रोका जाता है तो वह गाली गलौज कर मोहल्ले वालों को जान से मारने की धमकी देता है। इससे मोहल्ले में आतंक का माहौल बना है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए लोगों ने यहां से जाना ही ठीक समझा है। उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। कई घरों में लगे पोस्टर। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब अवैध शराब विक्रेताओं द्वारा एससी एसटी एक्ट के तहत महिलाओं को रेप करने और पुरुषों को रेप केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे वे सभी लोग तंग आ चुके हैं। उनका कहना है कि यदि पुलिस द्वारा मोहल्ले में अवैध शराब विक्रेताओं पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो वे यह मोहल्ला ही छोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में 50 से 60 घर है जिसमें तकरीबन 250 लोग रहते हैं। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में दो घरों से कच्ची शराब बेची जाती है। इससे परेशान होकर करीब 30 घरों में मकान बेचने के पोस्टर लगाए गए हैं। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी शफी खान का कहना है कि एक महिला के खिलाफ विवाद और गाली गलौज करने की शिकायत है। महिला प्रधान आरक्षक इसकी जांच कर रही है। इसके पहले भी रात में अवैध शराब बेचने की शिकायत की जांच की गई थी, लेकिन मामला झूठा पाया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।